बेटा देखना क्वेश्चन नंबर 13। हमको दिया हुआ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, विक्रय मूल्य प्रति इकाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया आपको 4 रुपए। आपको बोला कि 10,000 यूनिट बनाते हो आप। चलिए मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट निकाल के देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट सॉरी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बोला कि अगर आप 10,000 यूनिट बनाते हो, कितना 10,000 यूनिट बनाते हो तो 3 रुपए खर्चा आता है और आपका पूरा खर्चा कितना होगा 30,000 रुपए। एक पीस का 3 रुपए पड़ता है और कितना का खर्चा 30,000 रुपए। वही अगर आप 20,000 यूनिट बनाते हो तो खर्चा आएगा 2.5 रुपए, 2.50, और ये पूरा खर्चा आएगा 50,000 रुपए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है कॉस्ट पर यूनिट, ये हमारा क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। चलिए इसके बाद आपको सेल्स निकाल देते हैं, यहाँ पे एट 10,000 यूनिट लिखे तो मैं यहाँ पर, जब 10,000 यूनिट था तब, और ये 20,000 यूनिट पर। चलिए ऐसी सेल्स निकाल देते हैं, सेल्स यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। जब 10,000 यूनिट हो तब, एट 10,000 यूनिट रहे तब क्या होगा बेटा, 10,000 यूनिट इंटू 4 रुपए, 20,000 यूनिट इंटू 4 रुपए, 10,000 यूनिट और 20,000 यूनिट, यह आएगा रुपीज 40,000, यह आएगा रुपीज 80,000, ठीक है, एट 20,000 यूनिट्स। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी निकाल दिया कि ये हमारा सेल्स है, ये हमारा टोटल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों का जुड़ा हुआ है ना, इसमें हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट सेम रहता है, कभी भी याद रखना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट आपका अमाउंट में रहता है, अमाउंट में पूरा 10,000, 20,000, 40,000 उसका पर यूनिट नहीं रहता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा। अगर इसमें भी 1 रुपए तो इसमें भी 1 रुपए रहेगा, इसको बढ़ाने का खर्चा 2 रुपए तो इसको बढ़ाने का खर्चा 2 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट 10,000 है तो 10,000, 20,000 है तो 20,000, 50,000 तो 50,000, ऐसा रहता है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें ध्यान देते हैं, हम लोग निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल देते हैं, बीपीयू को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, ये फॉर्मूला हमारे पास कहीं और नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बिकॉम फाइनल से चीजें से निकाली हुई है, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। चेंज इन कॉस्ट कितना बेटा, कॉस्ट 50,000 माइनस 30,000, चेंज इन कॉस्ट कितना बेटा, यूनिट 20 माइनस 10, 20,000 यूनिट माइनस 10,000 यूनिट, 50 में से 30 माइनस करो कितना आएगा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए का अंतर है 10,000 यूनिट के लिए, 10,000 यूनिट्स। फिर से देखो मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूं आपको, चेंजिंग कॉस्ट मतलब आप दोनों कॉस्ट को घटा रहे हो, एक कॉस्ट में से दूसरा कॉस्ट घटा रहे हो, ठीक है, और एक यूनिट से दूसरे यूनिट को माइनस कर रहे हो, कितना आएगा ये ₹2 पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए आया आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब इसमें 2 रुपए पर यूनिट शामिल है, 3 रुपए में भी 2 रुपए शामिल है, इस 2.5 रुपए में भी 2 रुपए शामिल है, ठीक है। ये जो रेट कम हो रहा है ना किसकी वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से, फिक्स कॉस्ट क्या सेम है, आप चाहे 10,000 बनाओ चाहे 20,000 बनाओ, जितना ज्यादा बनाओगे उतना आपका टोटल कॉस्ट कम आएगा, क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक बार जितना लगा उतना ही लगेगा, बार बार नहीं लगेगा वो, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आपको जो जानकारी है वो निकल चुका है, बाकी चीज हम लोग निकाले थे, अब हमको क्वेश्चन में निकालने क्या क्या बोला है देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकालो, दूसरा है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल चुका है, मैंने बी पॉइंट का आंसर पहले निकाल दिया है, अभी ए पॉइंट का बचा हुआ है, ये आ गया हमारा बी पॉइंट का आंसर। चलिए अब ए पॉइंट निकाल देते हम लोग, ए पॉइंट फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट निकालने के बहुत सारे तरीके हमारे पास, एक इजी तरीका भी, अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकल चुका है तो, ठीक है, आपको सेल्स पता है कितना है, अच्छा टोटल कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा 10,000 यूनिट पे, निकाल के देखें सेम आंसर आएगा, चाहे मैं 10,000 यूनिट पे निकालूं या 20,000 यूनिट पे निकालूं, 10,000 यूनिट के बेस पे निकालता तो टोटल कॉस्ट कितना है मेरा 10,000 यूनिट का, 30,000 रुपए,
और वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 10,000 यूनिट इंटू 2, 2 रुपए पर यूनिट है, 30,000 माइनस 20,000 और यह आ जाएगा रुपीज 10,000। अगर मैं 20,000 यूनिट का भी लेके बनाता तो मेरा आंसर सेम आता, चेक करके दिखाऊं आपको। 20,000 यूनिट का खर्चा कितना है 50,000 और ये 10,000 20,000 इंटू 2 करो तो कितना है 50 माइनस 40 और आंसर आ जाएगा 10,000 आएगा, ठीक है, क्लियर ये आपका। चलिए इसके बाद बी के बाद यहाँ पे सी पॉइंट डाल देते हैं लोग, ब्रेक इवन पॉइंट कितने रुपए दिया बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में ना, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में बोला है ना, पहले सी पॉइंट यूनिट में बोला है ना, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, इसके लिए पहले क्या निकालोगे आप, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना बेटा आपका 4 रुपए, ऊपर दिया था क्वेश्चन में ना, वेरिएबल कॉस्ट कितना निकला 2 रुपए, ये आ गया आपका रुपीज 2 आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसके हिसाब से आप लोग निकाल दो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला हमारा बन गया फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना बेटा आपका 10,000 रुपए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 2 रुपए और ये आ गया आपका 5,000 यूनिट्स, ठीक है 5,000 यूनिट्स आया। इसी हिसाब से आप सेल्स भी निकाल सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कितना है 5,000 यूनिट और एक का प्राइस कितना बेटा 4 रुपए, गुणा करने कितना जाएगा ये 20,000 रुपए। देखो आंसर आ गया होगा सबका,